हाथों से पेंटिंग करना शायद आम बात है, पर आप पैरों से पेंटिंग करने वाले को क्या कहेंगे। मिलिए नदीम शेख से, जिनके पास दो हाथ तो नहीं है पर अपने पैरों से पेंटिंग करने के जरिए से वो सारी इंडिया ट्रैवल करते हैं। हेलो, मेरा नाम नदीम शेख है और मैं फूड आर्टिस्ट हूँ और मेरे बचपन से ही दोनों हाथ हैं। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है और मैं पेंटिंग करना मेरा हॉबी है। इसके जरिए से आप जानिए मेरी स्टोरी। नदीम ने इंडिया के कई शहर घूम लिए हैं, जैसे कि गुजरात, दिल्ली, बैंगलोर, औरंगाबाद, कश्मीर, और आगे चल के अपने पेंटिंग के जरिए से पूरी दुनिया देखना चाहते हैं। मेरी जो डिसेबिलिटी है ये मेरी बचपन से, मैं जब बॉर्न हुआ था तभी मेरे दोनों हाथ नहीं थे। सारा काम है मेरा पैरों से होता है। पेंटिंग का शौक मुझे स्कूल टाइम से ही था। मेरी पेंटिंग जो थी वो मतलब टीचर्स को बहुत पसंद आ गई, तो वहां से फिर मेरा जो टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। तो बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि ऑब्जेक्शन होते हैं, बट लेकिन मेरी मम्मी और मेरे भाइयों का ऐसा था कि तेरा जो दिल करता है तू वो कर सक, बस तू खुश कर। इंडियन माउंटेन फूड पेंटिंग आर्टिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनको मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं समटाइम्स ट्रैवल वगैरह भी मैं करता हूँ, कश्मीर, हैदराबाद, बैंगलोर, अहमदाबाद, औरंगाबाद, गुजरात, ये सब जगहों पर मैं गया हूँ। मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है, लोगों से मिलना और इवन ट्रैवल करना, नई जगह देखना और नए लोगों से बात करना। जैसे मैं कश्मीर में था तो वहाँ के लोग बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छे मतलब हेल्पफुल नेचर के थे। दिल्ली में मैं जब गया तो वहाँ पर भी लोग थे। एक नया एक्सपीरियंस रहता है और हमारा माइंड कहीं ना कहीं फ्रेश रहता है। जो भी ये डेली जो एक्टिविटीज है जो पीपल्स जो करती है अपने हाथों से, वो मैं पैरों से कर लेता हूँ। अगर मैं घर पे होता हूँ तो मैं खुद से ही मतलब खाना खा लेता हूँ, कपड़े पहनना हो गया वो भी पहन लेता हूँ, बाल बनाना हो गया, शेविंग करना हो गया, टीथ ब्रश करना हो गया। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी ना किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कहीं पर भी कुछ भी फूड मैं नहीं खा सकता। अगर मुझे कोई नंबर अगर डायल करना हो तो मैं अभी जब मैं रास्ते में हूँ तो मैं खुद से फोन नहीं निकाल सकता, तो मुझे किसी को कहना पड़ता है। हाँ, मुसीबत तो हुई है, लेकिन जैसे कि मैं स्कूल में था जो टीचर थे ड्राइंग के, तो उन्होंने मुझे इंटरमीडिएट और एलिमेंट्री का एग्जाम देने के लिए मना कर दिया। मैंने जिद थाम ली थी और मैं बहुत जिद्दी हूँ। स्कूल होने के बाद फिर मैंने कॉलेज किया और मैंने उस टाइम पे फिर मैंने इंटरमीडिएट का एग्जाम मैंने कर लिया और मैं उसमें पास हुआ। मैंने बचपन से ही अपने आप को हैंडीकैप नहीं समझा, क्योंकि आप देखोगे कोई भी बॉर्न बच्चा जब पैदा होता है, छोटा सा जो डिसेबल्ड हो या कोई भी हो, उसे नहीं पता रहता है कि वो डिसेबल है या उसमें कुछ कमी है। वो लोग बताते हैं कि आपने ये कमी है, आप वो करते, तो ये लोग जो जज करते ना, ये मुझे पसंद है। तो जैसे जो भाई है जो या जो सिस्टर्स है या फिर कुछ ऐसे जो नॉर्मल पीपल्स भी है बट लेकिन वो मेंटली जो डिसेबल है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी ताकत बनाएं और अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपके पास ही है, उसी प्रॉब्लम में बस अपनी प्रॉब्लम को समझिए कि कैसी है वो प्रॉब्लम। नदीम जी जैसे लोग हमारे सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल है कि चाहे जो भी हालात हो, अगर मेहनत और कुछ कर दिखाने का जोश हो तो कुछ भी पॉसिबल है।